तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, हमको एक कढ़ाई में पानी गर्म कर लेना है। पानी उतना गर्म करना है कि हमारे नूडल्स के, मतलब आपको जितनी भी नूडल्स बनानी है तो उस हिसाब से पानी ले लेंगे। तो पानी को अच्छा उबालना है हाई फ्लेम पे। जब पानी अच्छा उबल जाएगा फिर हम इसमें नूडल्स डालेंगे। ओके, सो हमारा पानी जो है बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम जो है सॉल्ट डाल देंगे। तो नमक जो है इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि नूडल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो नमक हिसाब से, जितनी नूडल्स हैं उसके हिसाब से डालना है, ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है। नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं, कम पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो है गैस को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। नमक मिक्स हो गया पानी में। अब हमने सॉल्ट डाल दिया है। अब जो है हमको नूडल्स लेनी है। ये नूडल्स आप कोई भी ले सकते हैं, ये होल व्हीट नूडल्स हैं, आपका नूडल्स भी ले सकते हैं। फ्लेम हम हाई रखेंगे और जो है नूडल्स को उबलने देंगे एंड उसको ढक देंगे। तो थोड़ा टाइम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन नूडल्स कितने हैं, पानी कितना है, तो उस हिसाब से उसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, सॉफ्ट होने तक हमको उबालना है। अब जो हमारी नूडल्स है वो पानी में सब डूब चुकी हैं अच्छे से, तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे ताकि जो है ऊपर नीचे ना हो जाए नूडल्स, मतलब नीचे की ज़्यादा पक जाए ऊपर की ना पके। इसलिए जो है थोड़ा ऊपर नीचे हम ऐसे पानी के अंदर इसको कर देंगे, ऐसा करके वापस से ढक देंगे और वापस से थोड़ा वेट करेंगे पकने का। एक बार आपकी नूडल्स जो है सेटल डाउन हो जाएंगी पानी में, फिर तो उसके बाद आपको गैस लो ही रखना है, फुल पे नहीं करना है। बस वो फुल तब तक रखना है जब तक नूडल्स जो है पानी में डूब नहीं जाती, फिर उसके बाद आप लो पे ही पकाना है। ओके, सो 5 मिनट हो गए हैं एंड हमारा जो है ये ऑलमोस्ट पक चुका है। अब इसको जो है ऐसे हाथ से अगर तोड़ के देखेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये टूट गया है, मतलब ये डन है। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसको जो बंद कर देना है गैस को एंड इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो स्ट्रेन करने के लिए आप कुछ भी स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं घर में, जो भी आप यूज़ करते होंगे। एंड इसमें जो है इसको थोड़ा ठंडा पानी से धो लेंगे ताकि ये जो है ओवर कुक ना हो हीट की वजह से। ओके, सो हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है नूडल्स को और इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया ताकि ये ओवर कुक ना हो। एंड अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको साइड में रख देना है, बाकी प्रिपरेशन चालू करते हैं, फिर इसका जब काम आएगा तब उसको उठाएंगे। ओके, सो हमें चाहिए इसमें सब्जियां जो हैं, आप जो आपको एक्स्ट्रा और चाहिए या कम करना है अपने टेस्ट के हिसाब से कर लेना। इसमें हम लोगों ने यूज़ करी है शिमला मिर्च एंड थोड़ी सी कैबेज और गाजर है, प्याज है, अदरक और लहसुन। तो अदरक और लहसुन तो ज़रूरी है ही, प्याज भी आप होगी घर पे सबके। इन तीनों में से अगर कुछ कम ज़्यादा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद ये हमने काट के रख लिया। जब तक हमारा नूडल्स ठंडा हो रहा है इसको हमें क्या करना है, एक पैन गर्म करना है वापस से, वही सेम पैन यूज़ कर लेंगे या फिर दूसरा जैसी आपकी इच्छा। पैन में हम डाल देंगे ऑयल, थोड़ा सा ऑयल जो है इसमें ज़्यादा डलेगा बिकॉज सब्जियां हैं बहुत सारी रॉ, उसको पकने में तेल की ज़रूरत तो लगेगी, तो थोड़ा हमको देखना पड़ेगा, तेल तो लगेगा ज़्यादा। यूजुअली हम कम तेल डालते हैं सब्जियों में, बट हम नूडल्स खा रहे हैं तो थोड़ा तो कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही एज यूजुअल सरसों का तेल है तो थोड़ा तेज़ फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। कोई और ऑयल है आपके पास तो उसका सबका अलग हिसाब रहता है। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें धुआं निकलना चालू हो चुका है। अब इसमें हमको गैस वापस स्लो कर देना है, तेज़ पे नहीं, नहीं तो सब जल जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन जो हमने डाइस करके रखा है, 3-4 क्लोव्स हैं ये, और सेम गोज विथ अदरक। अदरक इज ऑलमोस्ट लाइक 1 इंच। अदरक लहसुन को जो है सबसे स्टार्टिंग में पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं। इसको ऑलमोस्ट आई गेस 1 मिनट तक आप पका लीजिए स्लो फ्लेम पे एंड फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। सो अदरक लहसुन हमारा डन है, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। सबसे पहले प्याज इसलिए डालेंगे क्योंकि प्याज को जो है थोड़ा ऑयल चाहिए होता है पकने के लिए। प्याज डाल के जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसको प्याज को भी ज़्यादा नहीं पकाना है, ऑलमोस्ट मतलब ट्रांसलूसेंट टाइप तक करके पकाना है, क्योंकि तो फिर बाकी सब्जियों के साथ फिर से पकेगा, तो पहले ही ज़्यादा पका लोगे तो फिर जल जाएगी प्याज बाद में। प्याज को भी जो है हमने मिक्स कर दिया है, इसको हम थोड़ा देर पका लेंगे, ऑलमोस्ट 1 मिनट ऑल्सो अगेन। ओके, सो 1 मिनट हो चुका है, प्याज पक गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपना शिमला मिर्च। शिमला मिर्च अगेन इसलिए सेकंड नंबर पे बिकॉज शिमला मिर्च को भी पकने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी सब्जियां आखिरी में डालेंगे। अगर आपको शिमला मिर्च जो है थोड़ा कच्चा पसंद है तो कम पकाना,
मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कच्चा, तो मैं तो पकाता हूँ। तो मेरी वाइफ चिल्लाती है कि मुझे कच्चा खाना है, बट मैं तो पका के खाता हूँ, सॉरी। तो इसको शिमला मिर्च को भी अगेन, अगर आपको कच्चा पसंद है तो 30 सेकेंड्स पका लें, अगर थोड़ा पका के पसंद है तो 1 से 1.5 मिनट पका लें। शिमला मिर्च भी हमारी ऑलमोस्ट पक चुकी है, ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा टेस्ट तो आनी चाहिए। अब बारी आती है गाजर एंड कैबेज की, इन दोनों को आप साथ में डाल लो, कोई वो नहीं है, थोड़ी सी कैबेज है, थोड़ा सा गाजर है, और सब्जियां हो तो वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बाकी सब्जियों के साथ। हमको सब्जियां अगर थोड़ी जल्दी पकानी होती हैं और एंड उसका टेस्ट भी थोड़ा हमको सही करना होता है, तो उसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस सब्जियों के लिए डालेंगे, बिकॉज नूडल्स में ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। हल्का सा सॉल्ट डाल दिया सब्जियों के, ताकि टेस्ट सब्जियों में थोड़ा नमक का टेस्ट आ जाए। और सॉल्ट डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ओवरऑल पूरा मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ढक देंगे, बिकॉज ये गाजर एंड जो हमारा ये है पत्ता गोभी, इसको थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, थोड़ा ढक देंगे। गाजर स्पेशली ज़्यादा टाइम लेती है, थोड़ा ढक देंगे, इसको पकाएंगे 1-2 मिनट, चेक करते रहेंगे बीच में, फिर देखते हैं। ओके, सो हमारा ये ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट तक हमने पका लिया है, एंड सब्जियाँ सारी पक चुकी हैं अच्छे से। आप ऐसे करके देख लेंगे, गाजर टूट रही है, टूट रही है, तो ये सब कुछ डन है। अब फ्लेम लो ही रखना है, अब हमको डालना है इसमें कुछ कुछ सॉसेस। तो अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस है एंड रेड चिली सॉस है तो आप वो डालिए, हमने कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पानी में लाल मिर्च एंड थोड़ा सा विनेगर डाल के रखा है। ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप हैंडल कर सकते हैं तीखा उतना ही डालना। चिली सॉस डाल के हमने इसको जो है मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस, सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना है, 1 चम्मच करीब सोया सॉस डाल देंगे। डेढ़ चम्मच करीब हम डाल देंगे इसमें विनेगर, मिक्स कर लेंगे सारे सोया सॉस एंड सबसे आखिरी में इसमें 2 स्पून हम टोमेटो केचप डालेंगे। 1, 2 इन सब को अब अच्छे से हमको जो है सब्जियों के साथ मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम जो है इसमें ब्लैक पेपर भी डालेंगे फॉर टेस्ट के लिए। अगेन स्पाइसेस आप अपने हिसाब से देख लेना, कम ज़्यादा जितना खाते हो आप, तीखा खाते हो तो तीखा डाल देना, कम खाते हो तो कम डाल देना। सॉसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, सॉसेस अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हमें डालना है नूडल्स, तो जो हमने नूडल्स रखे थे उसको जो है इसमें डाल देना है। ये थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये जो सॉस के साथ नूडल्स जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं, अच्छे से मिक्स कर, इसमें थोड़ा सा मेहनत का काम है ये, तो मैंने अभी अपनी वाइफ से करवाया था, आपको वीडियो में दिख रहा है मैंने किया करना पड़ता है, क्या करें। अच्छे से नूडल्स को आप जो है पूरे सॉस जो बनाया है सब्जियों का जो सब कुछ है उसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब नूडल्स अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, अब इसमें ये ऑप्शनल है, थोड़ा सा स्वीट अनियन सॉस है ये, टेस्ट अच्छा आता है और कुछ नहीं है, तो इसको जो है हम थोड़ा सा इसको डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें। और इसका कुछ मेजरमेंट नहीं है एज सच, थोड़ा सा अपने हिसाब से ऑलमोस्ट आई गेस 1 चम्मच है, इसको डाल देंगे। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर है अवेलेबल तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो मत डालना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारी मिक्स हो चुकी है अच्छे से, आई गेस नूडल्स डन है हमारी। टेस्ट करके देख लेते हैं एक बारी, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, टेस्ट करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। Yeah, boy. बढ़िया, सॉल्ट भी सही है, सब सही है। Nice. Nice.